हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबकी दोस्त पारुल चावला, हृदयांश की मम्मा। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके साथ एक नए ब्लॉग में प्लेन इडली बनाने की आपको रेसिपी सिखाऊंगी। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और प्लीज़ ध्यान से मेरी इस रेसिपी को देखिएगा। प्लेन इडली प्रिपरेशन के लिए हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, 1 बाउल सूजी और 1 बाउल ही हमें कर्ड चाहिए। हम इन दोनों को मिक्स करके इसका एक गाढ़ा सा पैकेट बना लेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसको 20-25 मिनट फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। जिस दौरान फर्मेंटेशन हो रही होगी, उसी दौरान हम इडली का बर्तन तैयार कर लेंगे, उसकी प्लेट्स पे ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। और इडली के बर्तन में, जैसे मैंने आपको वेजिटेबल इडली बनानी सिखाई थी, उसके बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉयल होना रख देंगे। 20 मिनट के फर्मेंटेशन के बाद दोस्तों हमारा आसानी से, आप देखिए, ये थिक बैटर रेडी हो गया हमारा। इसका बैटर रेडी हो गया है। इसमें हम इनो का एक प्लेन पाउच मिलाएंगे और उसी पाउच के ऊपर जहाँ हमने डाला हुआ इनो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको एक ही रोटेशन में चलाते हुए मिक्स करेंगे। जैसे ही इनो डाल दिया होगा, उसके बाद हमारे जो ग्रीसिंग किए हुए है बर्तन है वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए और उनको हम फिल कर लेंगे और पहले से तैयार किए हुए इडली के बर्तन में हम उसको रख देंगे। उसको हम रखेंगे दोस्तों 20 मिनट्स के लिए। दोस्तों, इडली के बर्तन में मैंने जो अपना बैटर तैयार कर रखा था वो फिल करके रख दिया है। लो मीडियम हाई फ्लेम पे मुझे इसे 15 मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद मुझे टूथपिक या फिर फॉक की सहायता से चेक करना है कि इडली उसके ऊपर बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर इडली उसके ऊपर चिपकेगी तो मुझे 1-2 मिनट्स की मोर देनी होगी और जब वो बन जाएगी तो फिर मुझे इसी के अंदर बर्तन के 15 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट के लिए रखना है ताकि वो पूरी तरह से फूल जाए। तो 15 मिनट बाद जब हम कुकर को खोलेंगे, मतलब 15 मिनट तो हमने भाप में पका लिए और 15 मिनट बाद जब हम कुकर को रेस्ट टाइम के बाद खोलेंगे तो उसमें से कुछ इस तरह की जालीदार इडली निकलेगी। ये देखिए आपके सामने है कि 15 मिनट जो रेस्ट टाइम हमने दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि इडली प्रॉपर फूल सके। आइए और आप सब भी सांबर चटनियों के साथ यमी यमी इडली को ट्राई कीजिए। दोस्तों, आज के इडली व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, फैमिली वीडियो सब कुछ मिलेंगी। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे नए व्लॉग के बारे में। प्लीज़ कीप वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।